हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग नया चैप्टर बिगिन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। हमने कल के लेक्चर में खत्म किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो कि फर्स्ट चैप्टर था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द न्यू चैप्टर, दैट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो फर्स्ट फेज ऑफ मुगल्स में, जो बाबर से लेके तुम्हारा जो अर्ली मुगल्स था वहां तक हमने खत्म कर लिया है, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब इन मेडाइवल इंडिया। तो यहाँ पर औरंगजेब के डेथ के बाद, यानी 1707 के बाद से जो मुगल एम्परर्स हुए 1857 तक, उनका जो डिक्लाइन हुआ वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे और कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। तो लेट्स बिगिन विद डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो दिस आर ऑल्सो नोन एज लेटर मुगल्स। तो जो लेटर मुगल्स थे वो काफी वीक थे। तो लेट से वीक मुगल रूलर्स आफ्टर औरंगजेब, जो टाइम पीरियड बसता 1707 से 1857 तक। औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर थे उनका नाम था बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन थे। इनका जो पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1707 टू 1712। हाउएवर गद्दी पे ये ओरिजिनली 1709 में आते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल तक वॉर ऑफ सक्सेशन में बिजी रहते हैं। औरंगजेब के जितने भी बेटे थे वो लोग भी क्लेम कर रहे थे थ्रोन पे, बट बहादुर शाहवन किल्ड हिज ब्रदर्स मोहम्मद आजम एंड काम बख्श। इनको मार के खुद बहादुर शाह जो है 63 ईयर्स के एज में थ्रोन पे आ जाते हैं। बहादुर शाह का ओरिजिनल नेम मुअज्जम होता है, MUAZZAM। उन्हें एक टाइटल मिलता है शाह ए बेखबर का। ये टाइटल उन्हें खाफी खान नामक व्यक्ति देते हैं। इन 1678 मरवार के एक राजा थे जसवंत सिंह, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जसवंत सिंह के दो बेटे थे, जसवंत सिंह के दो बेटे थे अजीत सिंह एंड दुर्गादास राठौर। तो राजपूत पहुंचते हैं दिल्ली अजीत सिंह को लेके। उस समय जो मुगल एम्परर होते हैं वो औरंगजेब होते हैं, और वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम अजीत सिंह को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज ए रूलर ऑफ राजस्थान, और बोलते हैं कि इनको अरेस्ट कर लो, ये ऑर्डर देते हैं। मगर राजपूत जो हैं, अजीत सिंह और जो बाकी राजपूत गए थे अपनी माँ के साथ, उस मुगल दरबार से भाग निकलने में सक्षम होते हैं। जो राजपूत हैं वापस राजस्थान जाके रिवोल्ट कर देते हैं। लेकिन रिवोल्ट जब चल रहा होता है उसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह गद्दी पे आ जाते हैं। बहादुर शाह के गद्दी पे आने के बाद ही वो राजपूत को रिस्टैब्लिश कर देते हैं, अजीत सिंह को रिकॉग्नाइज कर देते हैं, और कोई हार्श नहीं बल्कि पैसिफिस्ट, राजपूतों को खुश करने वाला पॉलिसी अपनाते हैं। इसी बीच मराठास में क्या होता है, संभाजी, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है और उनका बेटा साहू वो एक्चुअली प्रिजन में रहता है मुगल्स के पास। ये हम लोग डिटेल में भी देखेंगे जब मराठास पढ़ेंगे रीजनल किंगडम्स में। और संभाजी का जो स्टेप ब्रदर था सौतेला भाई, उसका नाम था राजा राम। राजा राम ने अपने बेटे शिवाजी टू को, जो कि एक माइनर चाइल्ड था, 18 वर्ष से नीचे था, उसे राजा बना देता है मराठास का, और उसके लिए एक रीजेंसी बनाता है उसकी माँ के अंदर ताराबाई, और वो छत्रपति बनता है शिवाजी टू। अजीम उस्शान सन ऑफ बहादुर शाह, बहादुर शाह का एक बेटा था अजीम उस्शान, वो एडवाइज करता है कि क्यों ना हम लोग साहू को छोड़ दे, ताकि जब ये अपना वापस महाराष्ट्र में जाए तो ये अपना गड्डी वापस मांगेगा अपने सौतेले भाई से, और वहां पे एक सिविल वॉर हो जाएगा मराठास के बीच में, और मराठास क्या होंगे, बिजी हो जाएंगे अपना सिविल वॉर में, और मुगल को शांति मिल जाएगा इन मराठास से। उसकी बात मानकर साहू ने क्या किया, साहू को
बहादुर शाह ने रिलीज कर दिया और उनकी टेरिटरी वापस देके मराठास में भेज दिया। बाकी डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे जब रीजनल किंगडम्स पढ़ेंगे हम लोग महाराष्ट्र क्या हुआ। इसी बीच सिख के लीडर थे एक बंदा बहादुर, वो कुछ मुस्लिम्स पे अटैक किए हुए रहते पंजाब में, इसलिए एम्परर जो है खुद से जाकर एक्शन लेते अगेंस्ट बंदा बहादुर। इस रेबेलियन में बहादुर शाह को इंजरी हो जाता है ड्यूरिंग द रेबेलियन, और इस इंजरी के कारण बहादुर शाह लाहौर में मर जाते हैं 1712। बहादुर शाह के मरने के बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर होते हैं, नेक्स्ट मुगल एम्परर होते हैं, उनका नाम होता है जहांदर शाह। इनका टाइम पीरियड होता है 1712 से 1713। एक्चुअली बहादुर शाह वन के चार बेटे थे, जहांदर शाह, जहान शाह, अजीम उशान एंड रफी उशान। तो कुछ नोबल्स थे यहाँ इनके कोर्ट में, मेडाइवल में मैंने भी बताया था नोबल्स के रोल पे, वो लेक्चर्स देख लेना अगर भूल चुके हो तो। तो ईरानियन नोबल एक था जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान। तो जुल्फिकार खान और जहांदर शाह मिल के बाकी तीन भाइयों को मार देता है और जहांदर शाह गड्डी पे आ जाता है। एम्परर बनने के बाद जुल्फिकार खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, और जुल्फिकार खान इसके बाद एक नया सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग एंड टैक्स कलेक्शन लाता है जिसका नाम है इजारा सिस्टम, ताकि जो एम्पायर है उसका फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। जहांदर शाह जो है उसने ग्रांट किया था राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सिक्स मुगल प्रोविंसेस एंड हैंड ओवर इट टू मराठा। एक्चुअली मराठा जो है वो काफी डिस्टर्बिंग क्रिएट कर रहे थे, तो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन मुगल एंड मराठाज। जो साउथ में मुगल का 6 प्रोविंसेस था, 6 स्टेट था, मुगल बोलते हैं ठीक है जो भी कलेक्शन होगा इस 6 स्टेट से उसका 1/4 इसको चौथ टैक्स बोलते हैं, और एक 1/10 इसको सरदेश मुखी बोलते हैं। ये जो कलेक्शन होगा ये मुगल्स खुद करेंगे और बाद में 1/4 और 1/10 मुगल्स जो है मराठास को दे देंगे इन 6 प्रोविंसेस का टैक्स कलेक्शन। तो ये अरेंजमेंट होता है जहांदर शाह और मराठास के बीच में। वहीं जहांदर शाह एबॉलिश्ड जिजिया, जिजिया जो लगता था रिलीजियस टैक्स, वो एबॉलिश कर देते हैं। फिर भी जो हिस्टोरियंस कुछ हैं इनके कारनामे कुछ होते हैं जिनके कारण इन्हें लंपट मूर्ख से रेफर किया जाता है। अगर इम्पोर्टेंस ऑफ मुगल नॉवेलिटीज का बात करें, जो नॉवेल्स उनका इम्पोर्टेंस क्या था, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे तुरानियन नॉवेल्स, उसके बाद रैंक सेकेंड रैंक पे थे ईरानियन नॉवेल्स जो कि जुल्फिकार खान थे, फिर थे अफगानी नॉवेल्स, और फिर आज चौथे नंबर पे थे हिंदुस्तानी नॉवेल्स। जहांदर शाह के मरने के बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर होते हैं उनका नाम होता है फारूक सियार, 1713 से 1719। एक्चुअली क्या होता है, फारूक सियार ने ही अपने पिता जहांदर शाह की हत्या कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ तुरानियन नॉवेल्स। इस बार तुरानियन नॉवेल्स हेल्प करते हैं फारूक सियार को। ये तुरानियन नॉवेल्स जो है इनको बोलते हैं सैयद ब्रदर्स। ये लोग 2 भाई थे, एक थे अब्दुल्ला खान या फिर हसन अली भी बोलते हैं, और दूसरे भाई थे हुसैन अली, एक हसन अली और एक हुसैन अली, सैयद ब्रदर्स। हिस्ट्री में ये जाना जाता है एज किंग मेकर्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सैयद ब्रदर फारूक शियार जो है वो न्यू एम्परर बन जाते हैं। बनते ही वो रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी अपनाते हैं, जिजिया को ऑब्वियसली एबोलिश ही रखते हैं, प्लस पिलग्रिमेज टैक्स, जैसे कोई मानसरोवर यात्रा है, कोई मक्का यात्रा है, उस तरह का अगर कोई टैक्स लिया जा रहा है उस यात्रा पे तो उसे भी एबॉलिश कर देते हैं। वहीं 1717 में वो एक फरमान जारी करते हैं ब्रिटिश को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में फारूक सियार में, कि वो इंग्लिश को 3 गोल्डन फरमान देते हैं। तो अगर भूल गए वो फरमान क्या था, गो बैक टू द लेक्चर एंड रिवाइज इट।
फारूक सियार जो थे वो बहुत बड़े कॉन्स्पिरेटर थे, कॉन्स्पिरेसी में माहिर थे, लेकिन वहीं डरपोक भी थे। एक्चुअली इनका कान भर दिया जाता है बाय निजाम उल मुल्क कि जो ये सैयद ब्रदर्स हैं वो अगर तुम जहंदर शाह को मार सकते हैं तो फारूक सियार को भी मार सकते हैं, ऐसा कान भर दिया गया था फारूक सियार का बाय निजाम उल मुल्क। सैयद ब्रदर्स हैड बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं, और फारूक सियार का कान भरने के कारण वो कॉन्स्पायर करने लगता है कि इन सैयद ब्रदर्स को मारना कैसे। तो मारने में विफल रहता है इस वक्त, तो क्या करता है फारूक सियार कि सैयद ब्रदर्स का एक भाई जो था हुसैन अली उसे बना देता है डक्कन का गवर्नर, और डक्कन से निजाम उल मुल्क को बुला लेता है दिल्ली, तो दूर रहेगा मार नहीं पाएगा, ऐसा सोचा फारूक सियार ने। वहीं 1718 में सैयद ब्रदर्स जो है एक एग्रीमेंट साइन करते हैं मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ। तो अगर इस एग्रीमेंट को देखा जाए तो मराठास को जो है राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम सिक्स मुगल प्रोविंसेस इन डेक्कन। तो अब है क्या है, अब डायरेक्ट चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कर सकते थे तुमरा मराठास 6 मुगल प्रोविंसेस है डेक्कन में, बदले में 10 लाख पर ईयर देना होगा मुगल्स को बाय द मराठास, और वो कितना भी कलेक्ट कर सकते, प्लस मुगल एम्परर को 15,000 घोड़सवारी का सर्विस भी देना होगा। वहीं 1749 में देखने को मिलता है कि सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे मराठा के, ये दोनों मिलके दिल्ली जाते हैं और फारूक सियार को अंधा कर देते हैं और मार देते हैं। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि मुगल हिस्ट्री में कि एम्परर वाज किल्ड बाय हिज नोबल्स, और फारूक सियार सीट से खत्म हो जाता है। तो सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ मराठास किल्ड फारूक सियार। इसके बाद जो नेक्स्ट चॉइस था सैयद ब्रदर्स का वो था रफी उद दरजात, इस व्यक्ति को थ्रोन पे बैठाया जाता है, बट इसका रीन जो है वो मात्र 28 फरवरी से 4 जून ऑफ 1719 तक ही रहता है। इसी शॉर्ट पीरियड में वो मर जाता है और काफी इनसिग्निफिकेंट रूलर रहता है। ही रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड अमंग द मुगल, सारे मुगल्स में सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए रूल रफी उद दरजात का ही होता है। नेक्स्ट रूलर जिसे सैयद ब्रदर्स ने बैठाया था आफ्टर रफी उद दरजात वो थे रफी उद दौला। रफी उद दौला को थ्रोन पर बैठाने के बाद सोचा इसका नाम कुछ बड़ा रखा जाए, शानदार रखा जाए, लेकिन नाम रखने से कर्म नहीं बदलते हैं। इसका इसे टाइटल दिया गया था शाहजहां टू का, बट ये क्या था, ये गंजेड़ी था, ओपियम एडिक्टेड था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 17 सितंबर से, तो वो मृत्यु हो जाती है 6 जून से 17 सितंबर इसका टाइम पीरियड होता है। तो रफी उद दौला भी खत्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट रूलर जो है वो है मोहम्मद शाह। इनका रीन बड़ा रहता है 1719 से 1748 तक का। जो ओरिजिनल नेम है मोहम्मद शाह का वो है रोशन अख्तर। तो ही वॉज ऑल्सो द नेक्स्ट चॉइस ऑफ सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स ने ही इसे किंग बनाया था। ही इज फेमसली नोन एज रंगीला, इसे रंगीला का टाइटल मिला था, इसलिए काफी जगह देखोगे इसका पूरा नाम मोहम्मद शाह रंगीला भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल था काफी लग्जरियस था, प्लस इनके पास 800 हरेम थे, हरेम वेयर प्रोस्टिट्यूट्स आर केप्ट। सो इस हरेम की एक किप थी उधम बाई, जिससे मोहम्मद शाह शादी कर लेते हैं। जो उधम बाई थी ये काफी डोमिनेंट लेडी थी और ये एडमिनिस्टर करने लगी थी पूरा एम्पायर को, बट इतना इसे उतना कुछ आता नहीं था, जिसके कारण ये एक कारण बनती है मुगल्स के डिक्लाइन के लिए। 1722 में देखने को मिला है कि मोहम्मद शाह और निजाम उल मुल्क एक साथ मिल जाते हैं और सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं, सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं। और इस तरह 1773 में, 1723 होगा, 1723 में निजाम जो है वो बन जाते हैं वजीर और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेने लगते हैं। वजीर बन गए मारने के बाद सैयद ब्रदर्स को, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स
लेते हैं। लेकिन निजाम उल मुल्क का एक राइवल था, उसका नाम था सादत खान। सादत खान बिल्कुल पसंद नहीं करता था निजाम को, इसलिए सादत खान ने क्या किया कि फिर से कान भरना शुरू किया मोहम्मद शाह का। और इस कारण से मोहम्मद शाह जो है जितना भी निजाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ले रहा था उसको अपोज करने लगते हैं मोहम्मद शाह। इसी बीच कुछ कॉन्स्पिरेसी करके निजाम जो है सादत खान को भेज देते हैं अवध एज गवर्नर। वहां जाके सादत खान अपने आप को नवाब ऑफ अवध यानी इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो अब जो कारण था मोहम्मद शाह का जो हरकत था उसके कारण क्या हुआ, निजाम भी फेडअप हो गया एम्परर से और 1723-24 में वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होके एम्पायर से निकलता है हंटिंग के लिए और इतना खो जाता है कि वो पहुंच जाता है डेक्कन। डेक्कन में पहुंच के वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है और जिस जगह पे घोषित करता है उसे कहते हैं हम लोग स्टेट ऑफ हैदराबाद। निजाम फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद हियर। इस वक्त जो गवर्नर ऑफ डेक्कन होता है वो होता है मुबारिज खान, जिसे मोहम्मद शाह इंस्ट्रक्ट करते हैं कि निजाम को मार दो। तो यहाँ पे एक फेमस बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ शकरखेड़। देखते हैं ये क्या। तो नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ शकरखेड़ जो कि 1723 में होता है। सो दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन निजाम एंड द मुगल्स। निजाम इन दिस बैटल अगेंस्ट मुगल्स वाज असिस्टेड बाय मराठा पेशवा बाजीराव वन। तो इस बैटल में निजाम के साथ जो थे जो सपोर्ट कर रहे थे निजाम को वो थे बाजीराव वन ऑफ मराठा। इस बैटल में ऑब्वियसली निजाम जीत जाते हैं और मोहम्मद शाह जो एम्परर उनको कॉम्प्रोमाइज करना होता है निजाम के साथ। तो एक इंस्टेंस है 1737 का जब बाजीराव वन जो मराठा पेशवा थे वो दिल्ली पर रेड करते हैं अपने मात्र 500 घुड़सवार के साथ। इनका खौफ इतना था मराठास का और बाजीराव का कि जब मराठास कैंपेन कर रहे थे मेहरौली दिल्ली में 3 दिन तक, उस वक्त मुगल्स जो है लाल किला में बंद हो गए थे, वो इवन देखने तक नहीं आए थे मराठास को बाहर। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि मुगल्स जो है एज ए पावर डिक्लाइन कर चुके थे भारत। इसी बीच एक फॉरेन इन्वेजन होता है, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, और एक बैटल होता है बैटल ऑफ करनाल। देखते हैं क्या है, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड बैटल ऑफ करनाल जो कि 1738 से 39 के बीच में इनका इन्वेजन होता है। सो 1736 में नादिर शाह जो है पर्शियन एम्पायर को कैप्चर करके टेरिटरीज को करके ईरान के गड्डी पे बैठ जाते हैं। He had also attacked Afghanistan. अफगान में भी अटैक करते हैं, कांधार और काबुल को में भी कैंपेन करते हैं। तो जब ये सब कैंपेन हो रहा होता है नादिर शाह का तो बहुत सारे अफगान जो हैं वो इंडिया की ओर भाग जाते हैं। तो नादिर शाह बोलते हैं मोहम्मद शाह को एक लेटर में कि अपना बॉर्डर को सील करो ताकि कोई अफगान जा भाग नहीं पाए इंडिया में, और जो भाग के गए हैं उसे हैंड ओवर कर दो वापस। लेकिन मोहम्मद शाह जो है वो नहीं सुनते हैं बात नादिर शाह का, और इसके कारण नादिर शाह को काफी गुस्सा आ जाता है मोहम्मद शाह पे, और इस गुस्से के कारण नादिर शाह जो है अटैक कर देते हैं पंजाब और दिल्ली पे। इस बैटल में मुगल्स के साथ निजाम भी थे प्लस अवध की आर्मी भी थी, तो टोटल जो मुगल्स के साथ हो गए वो टोटल 1.5 लाख की फोर्स थी मुगल के साइड। वही नादिर शाह जो आए थे वो मात्र 55,000 फोर्सेस के साथ आए थे। तो 3 times ज्यादा था लगभग मुगल का आर्मी देन नादिर शाह। और ये जो होता है यहाँ पे बैटल दैट इज नोन एज बैटल ऑफ करनाल। इस बैटल ऑफ करनाल में इवन दो मुगल्स के पास 3 times ज्यादा फोर्सेस थी देन नादिर शाह, मुगल्स वेयर बैडली डिफीटेड, उनकी हार हो जाती है। यही दिखाता है कि इनका जो वीकनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मुगल्स हैड डिक्लाइंड। बाद में जब हार जाता है मुगल्स तो निजाम क्या होता है नादिर शाह के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज दिल्ली में लूट और प्लंडर मत मचाइए। तो नादिर शाह ने बोला ठीक है मैं दिल्ली को नहीं लूटूंगा अगर दिल्ली उसे 50 लाख रुपए पे करे तो, ऐसा निजाम ने ऑफर दिया था।
और वो एग्री भी कर गया था। लेकिन ये बात जो है, ये तो निजाम ने ये एग्रीमेंट किया नादिर शाह के साथ, तो ये बात पचा नहीं किसे, सादत खान को, जो कि राइवल ऑफ निजाम था, कुन्नस था निजाम से इसे। तो ये जो सादत खान था, ये एक दिन रात को चला गया तुम्हारा नादिर शाह के पास। क्यों गया? क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई निजाम ने तो तुम्हारा नादिर शाह के साथ एक डील कर लिया है, जिसके कारण निजाम का जो स्टेटस है वो काफी ऊंचा हो गया है देन सादत खान। इसलिए सादत खान रात को चला जाता है मिलने नादिर शाह के साथ, और उसे बोलता है नादिर शाह को कि आप क्या 50 लाख रुपए में मान गए, मुगल्स तो आपको 20 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। 20 लाख का बात मत कीजिए, 50 लाख का, 20 करोड़ रुपए मुगल्स आपको पे कर सकते हैं। तो क्या हुआ, नादिर शाह जो है वो जाते हैं तुम्हारा मुगल्स के पास, लेकिन मुगल्स का जो तिजोरी है उसमें 20 करोड़ क्या 50 लाख भी नहीं थे जो पहले का प्रॉमिस है, और नादिर शाह इस बात से गुस्सा होके दिल्ली पे अटैक कर देता है। ठीक है, अटैक करने के बाद फिर वो उसे जब ट्रेजरी वगैरह कुछ नहीं मिलता है तो सादत खान को बुलाता है और बोलता है कि अब 20 करोड़ रुपए तुम दो, क्योंकि तुमने ही बोला था मगर मुझे कुछ मिला नहीं वहां से। इसे सुनकर सादत खान जो है घर जाके वापस सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि 20 करोड़ उसके पास भी नहीं है। तो उसने सोचा ऐसे भी नादिर शाह उसे मार देगा 20 करोड़ नहीं देगा तो, और फिर उसके बाद पैसे भी नहीं है तो इससे अच्छा खुद ही सुसाइड कर ले। सादत खान के मरने के बाद अवध में जो नेक्स्ट रूलर जो गड्डी पे आते हैं वो है सफदरजंग, जो कि सन इन लॉ ही थे तुम्हारा सादत खान का। तो ये कैसे भी मैनेज करते हैं 20 करोड़ पे करते हैं नादिर शाह। तो एक बार की बात है, जब नादिर शाह दिल्ली में ही होते हैं तो वो काफी बीमार हो जाते हैं और दिल्ली के लोगों को लगता है कि वो मर चुके हैं। इसलिए जो दिल्ली के लोग हैं वो अटैक कर देते हैं नादिर शाह का आर्मी पे, और इस अटैक में करीब करीब 700 फोर्सेस जो है नादिर शाह के वो मारे जाते हैं। जब नादिर शाह को ये बात पता चलता है तो वो दिल्ली मैसेकेयर ऑर्डर कर देता है कि कत्लेआम मचा दो दिल्ली में, और 4 दिन तक दिल्ली के रोड पे ये कत्लेआम चलता है। प्लस नादिर शाह ने लूट भी मचाया पूरा और अपने साथ करीब करीब 100 करोड़ रुपए दिल्ली से कैप्चर कर लिए। इवन ही टुक द पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां ने बनवाया था पीकॉक थ्रोन, तख्त ए तौस, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा दोनों अपने साथ लेके चले जाते। नादिर शाह के मरने के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए थे अफगान में वो थे अहमद शाह अब्दाली, जो कि थ्रोन पे आते हैं। 1748 में क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला का भी डेथ हो जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं वो अहमद शाह बनते हैं मुगल एम्पायर। ये अब्दाली दूसरा, ये अब्दाली अफगानिस्तान ईरानियन वाला है, ये अहमद शाह बेटा हो गया तुम्हारा मोहम्मद शाह का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मुगल रूलर, दैट इज अहमद शाह। तो अहमद शाह का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1748 टू 1754, काफी नालायक था, इनकॉम्पिटेंट रूलर। ये अपना जो स्टेट का जो भी काम कार्य था, स्टेट अफेयर्स खुद नहीं करता था, अपनी माँ के हाथ में थमा दिया था राजमाता, और वो थी ऑब्वियसली उदम बाई। और उदम बाई के बारे में मैंने भी बताया था, ये जो लेडी थी ये भले डोमिनेंट करती थी लेकिन इसके पास अकल नाम का चीज नहीं था। इसे एक टाइटल दिया गया था क़िबला ए आलम का। तो ये जो रूल कर रही थी विद द हेल्प ऑफ हर पैरामाउंट जावेद खान, उसका एक अफेयर था जावेद खान के साथ, और मोहम्मद शाह तो मर चुका रंगीला, तब जावेद खान के साथ मिलकर रूल कर रही थी, अहमद शाह का तो कोई मतलब ही नहीं था, एन नोटोरियस इनक। सो शी प्रूव्ड टू बी अ लेडी ऑफ वर इंटेलेक्ट, एकदम बुद्धि नाम का चीज नहीं था, और फर्दर डिक्लाइन होता है मुगल। अहमद शाह के जाने के बाद नेक्स्ट मुगल एम्परर बनते हैं आलमगीर टू, इनका टाइम पीरियड होता है 1754 से 1758। तो ही वॉज ए ग्रैंड सन ऑफ जहांदर शाह, ग्रैंड सन ऑफ जहांदर शाह। सो अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह को सक्सीड किया था, तुम्हारा ईरानियन इन्वेडर जो था, ही रीच्ड दिल्ली इन जनवरी 1757 में आता है, और
इमद उल मुल्क नामक व्यक्ति को वजीर बना देता है आलमगीर टू का। और इसी आलमगीर टू के पीरियड में फेमस बैटल ऑफ पलाशी 1757 में होता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बैटल ऑफ पलाशी जब बंगाल पढ़ेंगे। वहीं इमद उल मुल्क जो है वो मार देता है आलमगीर टू को बाय पियर्सिंग रॉड इन हिज आईज। एक्चुअली इतना पावरलेस हो गए थे मुगल एम्परर, ये जो नोबल्स थे जैसे कि तुम्हारे इमद उल मुल्क एंड ऑल, ये लोग रॉड गर्म करके हुए मुगल्स को सटाते थे और बोलते थे डांस करो एंड करो, फिर एक दिन इसी तरह गरम रॉड उनके आंख में डाल के उसे मार दिया जाता है इस मुगल एम्परर। आलमगीर टू का जब डेथ हो जाता है इमद उल मुल्क के हाथों, उसके बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर होते हैं वो होते हैं शाहजहां थ्री। फिर से नाम बड़ा काम छोटे, इसे 1758-59 रूल किया और काफी इनसिग्निफिकेंट क्योंकि कुछ इनके रिन में हुआ ही नहीं, ना ही ये कर पाए। इसके बाद आलमगीर टू के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर आते हैं उनका नाम होता है शाह आलम टू। 1759 से 1806 इनका टाइम पीरियड होता है। सो इनके पीरियड में एक फेमस बैटल होता है, डेट इज नोन एज बैटल ऑफ पानीपत या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 प्लस बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। तो बैटल ऑफ पानीपत हम लोग जब मराठास पढ़ेंगे तब देखेंगे और बैटल ऑफ बक्सर जब बंगाल पढ़ेंगे तब देखेंगे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी होता है नोन एज ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि जीत चुकी थी बैटल ऑफ बक्सर में, तो उसके प्रोटेक्शन के अंदर शाह आलम टू अलाहाबाद में थे और एक फरमान जारी किए थे कि अब कंपनी का दीवानी राइट्स है बिहार बंगाल एंड उड़ीसा पे। वहीं 1772 में क्या होता है, मराठास जो हैं अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, इंग्लिश के प्रोटेक्शन से छीन के मुगल एम्परर को और दिल्ली ले जाते हैं। लेकिन 1803 में मराठास भी वीक हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि दौलत राव सिंधिया नामक व्यक्ति हार जाते हैं इंग्लिश के हाथों और फिर से इंग्लिश प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते हैं तुम्हारा मुगल एम्परर। और इसके बाद से देखा गया कि जितने भी मुगल एम्परर आते हैं उनका पावर वावर कुछ नहीं है, बस नाम का एम्परर है, वो लोग पेंशनर्स ऑफ इंग्लिश हो जाते हैं। मतलब इंग्लिश बोलते हैं कि हम आपको पेंशन देंगे, आप शांति से दिल्ली में बैठे रहो, सारा काम हम लोग देखते हैं। शाह आलम टू के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं इनके भी नाम बड़ा रखा जाता है ताकि बड़ा काम कर सकें, अकबर टू 1806 से 1837। अकबर टू ही वो मुगल एम्परर थे जिसने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया। और 1835 में इनके टाइम पे ही मुगल के नाम का जो सिक्का चल रहा था बन रहा था वो छपना ही बंद हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था पूरी तरह। तो याद करो कि ऐसा फरमान कि तुम्हारा इंग्लिश का क्वाइन ही चलेगा सब जगह किसने दिया था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। अब जो लास्ट मुगल एम्परर है उनका नाम था बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जफर। इनका टाइम पीरियड था 1837 से 1857। तो ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। इनके टाइम में ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था जिसमें एक अटेम्प्ट लिया गया था ताकि इनको डिक्लेयर फिर से किया जाए एम्परर ऑफ इंडिया। ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो रिवोल्ट के बाद ही वाज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, इंग्लिश ने इन्हें कैप्चर कर लिया था और भेज दिया था रंगून, म्यांमार में है रंगून नामक जगह, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती 1862। लेकिन अगर लीगल टर्म्स में बात करें कि मुगल एम्पायर कब खत्म हुआ, सो मुगल एम्पायर एंडेड ऑन 1st नवंबर 1858 जब क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर करती है कि अब जो इंडिया में है वो कंपनी का राज नहीं, सारा कुछ हैंडओवर क्वीन के हाथ में आता है। बट यहाँ पे मेन चीज देखने को ये है कि ये तो शॉर्ट टर्म कॉजेज ऊपर वाले जितने सारे थे ये मैंने बता दिए कि क्यों डिक्लाइन हो रहे थे फास्ट फास्ट, बट व्हाट आर द लॉन्ग टर्म मेजर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कॉज था शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार। एक्चुअली क्या हो रहा था,
जो जमींदार थे वो हेरिडिटरी ऑनर्स थे, मतलब बाप के बाद बेटा जमींदार, उसके बाद उसका पोता जमींदार, इस तरह चल रहा था। और इन जमींदार के टाइटल दिया गया था राय, राजा, ठाकुर, सूत, देशमुख, इस तरह का कुछ कुछ टाइटल मिल रहा था इन जमींदार को। ये जमींदार के पास लैंड जब था और हेरिडिटरी था, तो इनका जो पोजीशन था एम्पायर में वो काफी ज्यादा था। क्यों? क्योंकि इन जमींदार ही असिस्ट करते थे रेवेन्यू कलेक्शन में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, सोल्जर का मेंटेनेंस में, ये सब काम जमींदार का ही था। तो इससे क्या हुआ, मैन जो लोकल जमींदार थे वो कुछ पावरफुल हो गए थे, प्लस नोबल्स भी उधर पावरफुल थे। तो लोकल जमींदार और नोबिलिटी दोनों मिलके एडवांटेज लेते थे वीकनेस ऑफ द एम्पायर। एम्पायर था वीक, रूलर्स भी थे वीक, तो दोनों मिलके एडवांटेज लेते थे और बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम निकाल लेते थे अपने लिए। दूसरा जो रीजन है वो है जागीरदारी क्राइसिस। तो द नोबिलिटी कॉम्प्राइज ऑफ पीपल हु वेयर इधर असाइंड लार्ज जागीर। सो जो नोबिलिटी था उनका जो सैलरी पे किया जाता था, लैंड में दे देता था और बोलता था आप यहाँ से इस लैंड से कलेक्ट कर लो, ये उसका जागीर हो गया। फिर मनसब्स जो है वो भी दिया जाता था इनको, या फिर इनको सूबेदार, कोई भी मुगल सूबा या डिस्ट्रिक्ट का बना दिया जाता था हेड, और इन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता कि इसे मेंटेन कर। अब क्या होता था, दो जागीर है या सुभाष है, तो इस सबके बीच में क्या होता था, राइवलरी होता था, दोनों लड़ते थे रिसोर्सेस के लिए, पैसा के लिए, लैंड के लिए, ये सब के लिए। सो ऑफ पावर अमंग दिस नोबल्स। तो इससे क्या होता था, जो मुगल एम्परर है उसका ही प्रेस्टीज लूज होता था, क्योंकि उसके ही दो बंदे नीचे में लड़ रहे हैं, और ये फर्दर कंट्रीब्यूट करता है इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जो तीसरा कॉज है वो है राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। सो औरंगजेब का जब टाइम था, उसी समय हमने देखा था कि बहुत सारे पावरफुल रीजनल ग्रुप्स उभर के आ रहे थे, जैसे कि जट्स, सिख्स, मराठास, जो कि मुगल अथॉरिटी को डिफाई कर रहे थे, यानी मान नहीं रहे, और काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था एम्पायर को अपना पॉलिटिकल एसेंडेंसी बनाने में, और ये एसेंडेंसी ही वीक कर देता है मुगल एम्पायर को फर्दर। और राजपूत भी थे जो थे, क्योंकि औरंगजेब का पॉलिसी ही अच्छा नहीं था राजपूत के प्रति, तो राजपूत भी अब ट्रस्ट नहीं कर रहे थे मुगल्स पे और उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्पायर। राजपूत भी मुगल का साथ छोड़ देता है यहाँ पे, तो ये भी एक कारण होता है उनका डिक्लाइन। जो चौथा और जो लास्ट कह सकते हो मेजर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है, वो था इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। अब जो बहुत सारे आमिर्स और मनसबदार थे उनका जो रैंक है वो बढ़ रहा था, लेकिन लैंड तो बढ़ेगा नहीं, लैंड तो उतना ही बचा रहेगा, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था इन लोगों में, ताकि ये अपना सैलरी जो है, जो कि रिकॉर्डेड इनकम है, वो कलेक्ट कर सके। अब कलेक्ट किससे करेंगे, पीजेंट से करेंगे, वहां के लोगों से करेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, उनका सैलरी तो बढ़ा दिया गया लेकिन लैंड नहीं बढ़ा, तो जो प्रेशर है वो किस पे बढ़ेगा, वो पीजेंट्री पे बढ़ते लगेगा, लेकिन पीजेंट्री भी पैसा कहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं, तो कितना भी प्रेशर दे इट वॉज इन वेन, इनका इनकम जो बढ़ ही नहीं रहा था, पहले पेपर पे पड़ गया लेकिन कलेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। प्लस देखा जाए तो सेवरल वॉर्स था, फिर मुगल का लाइफ स्टाइल भी पूरा तामझाम वाला था, ऐशो आराम वाला, प्लस खालिसा जो क्राउन लैंड होता है वो कम हो गया था, तो इससे क्या हो रहा था, इन पैसा आ इकोनॉमी और नीचे जा रहा था, पैसा था ही नहीं अब किसी के पास। सो द रिजल्ट वाज दैट कि एक्सपेंडिचर जो स्टेट का था वो बढ़ जा रहा था इनकम से, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल हो गया। प्लस इस वक्त तक हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड इंग्लैंड में तुम्हारा साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब चल रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा देर वॉज नो साइंटिफिक डेवलपमेंट टू इम्प्रूव स्टैगनेंट इकोनॉमी। यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं लिया जाता है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते थे, और ना ही ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स ग्रीव कर रहे थे इंडिया में, तो मुगल का ट्रेड कहाँ से होगा कोस्टल इंडिया में, हमें पता है कि किस तरह पोर्चुगीज रोकते थे लोगों को, मुगल्स को भी प्लस बाकी लोगों को भी, फिर इंग्लिश किस तरह आया ट्रेड पे कंट्रोल किया, तो यहाँ पे मुगल्स के पास कुछ बचा ही नहीं ट्रेड के लिए, क्योंकि सारा कंट्रोल यूरोपियन हाथों में चला गया।
एम्पायर जो है मुगल का वो काफी बड़ा था, तो एफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर नहीं पा रहे थे सेंटर्स। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रूलर्स जो थे ऊपर में वो कमजोर थे और इनकॉम्पिटेंट, नालायक थे, तो कहाँ से रूल करें। तो ये सब जो कॉजेज है ये ले डूबता है मुगल एम्पायर को। और कल के लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि इंग्लिश किस तरह आता है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद वो तुम्हारा कल होगा कि ब्रिटिश का पॉलिसीज क्या क्या था इंडिया में, इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, और उसके बाद फिर आगे के लेक्चर्स हम लोग बाद में देखेंगे। तो कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।